ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट है। और आकृति गई थी खेलने बाहर, तो साइकिल चला रही थी किसी का मांग के, तो यहाँ पे अपने हाथ में चोट लगा ली है और चोट काफ़ी ज़्यादा लग गया है इसको। तो अपने बर्थडे पर साइकिल मांग रही है गिफ्ट में। और यार तुम्हारा कपड़ा भी गंदा हो गया, देखो जब कपड़ा तो चेंज कर लो जब कपड़ा चेंज कर लो। तो बर्थडे पर आकृति को चाह रहा है साइकिल, उसी के जुनून में बड़ी वाली साइकिल लेके सीख रही है और लेके धड़ाम से नीचे चली गई। तो हाँ सानू, पता नहीं कौन सानू, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा तो उनकी इतना बड़ी साइकिल चाहिए तो सीख रही है और गिर गई। तो इसके बर्थडे पर दिलवाना है इसको साइकिल। और हाँ जी दिलवाएंगे, वीडियो गवाह है ये, वीडियो गवाह है, तुमको साइकिल दिलवाना है। और यहाँ पे ये लोग चिप्स खाए थे तो हमको भी मिला है, तो थोड़ा सा खा गई उसमें का और इतना बचा है। तो मैं आज पूरा दिन सोई हुई थी, मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि मैं बीमार हो गई थी आज। और मेरा तो आकृति मेरा मोबाइल के दिन भर देख रही थी। आकृति का कैरम ऑर्डर हुआ है तो 28 से 29 को आ जाएगा, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, सोची कि ब्लॉग 25 है, फिर 16 25 का 16 था, 25 को 26 हाँ। अच्छा लोग ऐसे पढ़ रहे थे 25 26, और हिंदी में लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि 25 के बाद क्या आएगा, 25 के बाद 26 आएगा। चलो शुक्र है भगवान का, इतना तो पता है कि 25 के बाद 26 आएगा। तो अभी आकृति के पापा 36 तक आता है, और इंग्लिश में कितने तक आता है? 150 इंग्लिश में 150 तक आता है गिनती। वाह 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 वाह, अब तो मतलब वक्त बदल दिया है यार। पापा जी की जय। उसके यार ये नहीं, उसके पापा आएंगे तो मैं चल रही हूं उनके साथ थोड़ा घूमने के लिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं आ गई हूं छत पे और टहलने के लिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं आई हूं और आज आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूं। ये है मेरे घर के पीछे आम का पेड़, आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे आम भी लगे होंगे। गिर गया, मैं यहाँ दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना छोटा छोटा आम लगा है इसमें। तो ये आम का पेड़ मेरे घर के बगल में है उनका है, और आधा पेड़ मेरे घर के सामने यहाँ आ गया है अंदर। तो इधर जितने भी सारे आम लगते हैं, एक दो तो हर साल मैं तोड़ के खा ही जाती हूँ, और एक देवर लगते हैं, पिछले साल तो वो आए सारे आम घर के तोड़ के खा गए थे। तो वो लोग बोलते भी हैं कि आम हम लोग इधर से तोड़ रहे, पर मैं नहीं तोड़ती हूँ, अच्छा नहीं लगता है, कितना आम तो ऐसे ही गिर जाता है। तो मैं सोची कि आप लोग को दिखा देती हूँ कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, देखिए आप लोग। अब आम जैसे जैसे बड़ा होगा यहाँ पर रील बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। और उसके बाद वहाँ पर भैया का घर जो है सिलाब पड़ गया है, लगे आप लोग देख सकते हैं, और उनका भी छत बन गया, अब उनका सिर्फ प्लास्टर बचा है। और उसके बाद छत एकदम खाली खाली पड़ा है आज, जैसे ही बाबू को देखेंगे वो लोग भी आ जाएंगे। तो मैं आई हूँ थोड़ा ऊपर छत पर टहलने के लिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं कल रात में जो दवा खाई थी उससे मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं दोपहर में इतना सोई हूँ कि मुझे समझ भी नहीं आया। मैं रात को तो वैसे भी सो गई थी, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और ना ऐड कर पाई, तो उसको सुबह में ऐड की हूँ और अपलोड की हूँ। और उसके बाद फिर मैं दोपहर में सो गई थी, मुझे उस दवा से बहुत ही नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ शाम को, जब चाय और नाश्ता बन गया था, तो नाश्ते में चिप्स निकाले थे लोग, अब तो देखे ही थे आप लोग। तो चलिए मैं थोड़ी देर छत पर टहल लेती हूँ। आपका पेड़ उस
क्या बोल रही हो? नहीं क्या बोली हो बताओ। दीदी आई है, दीदी दीदी आई है घर पे। दीदी 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 कौन है बे तू? इसमें कौन है? देखो ओले ओले बे तू। कौन मारा दीदी को? कौन मार दिया भैया? गौरा गौरा तुम पसंद की हो उसको? नहीं नहीं पसंद तुमको भी बुआ? बुआ क्या बोल रही है? बुआ को डिस्टर्ब कर रही हो गौरा? नहीं कर रही हो दीदी? अच्छे का दीदी, अच्छे की दीदी, हाँ अच्छे की दीदी। अभी हम लोग गोलगप्पा खा लिए हैं और वहाँ पर बन रहा है हमारा चाय और दूध बन रहा है और यहाँ मैं कुकर में आलू बॉईल की हूँ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ चोखा और चावल और सुबह का दाल और कड़ी बचा है। तो अभी वहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं और चावल चढ़ा दी हूँ और आलू निकाल दी ठंडा होने के लिए। और आकृति वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही है और आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं दिखाएंगे, वो पता है हमको, पता है बाबू क्यों मोबाइल बंद करने जा रहा है। मैं नहीं दिखाऊंगी, शर्म आ रही है हाँ। तो बाबू अपना पैंट निकाल दिया है सिर्फ। तो अभी हम आए हैं बाहर कपड़ा उतारने के लिए और आकृति खेल रही है और वहाँ बैठे हैं, बाबू से खुल रहा है। तो हमारा चावल भी बन गया है, अब कपड़ा उतार के चलते हैं घर में। तो फिर हमारा चोखा बनाना है और कपड़ा हम बाहर ही बैठ के फोल्ड करने। अभी पाइप आया है वहाँ से भैया का और ये लोग जा रहे हैं गुलाब के पेड़ में पानी देने के लिए और मैं अपना कपड़ा जा रही हूँ यहाँ पर फोल्ड करने के लिए। और चालू हो गया, भीग जाओगे, पकड़े रहो, तुमको लग जाएगा चोट फिर से, समझी? अभी हाथ में लगा है ना, आकृति भीग जाओगी, छोड़ दो, बात मानते हैं बेटा। पेड़ में अंदर पानी देते हैं ना कि पेड़ के ऊपर देते हैं। देखो थोड़ा वो भी डाल ले, मत बाल्टी मत खींचो, हाथ में चोट लग जाएगी। तो अभी हमारा
कपड़ा यहाँ पे फोल्ड हो गया है और पीछे देखिए पूरा सब धो डाले हैं, पूरा पेड़ में पानी डालकर यहाँ से भी धो दिए और इस साइड पे भी धो रहे हैं। अरे हम भीग जाएंगे, मेरा स्लीपर भी भीग जाएगा। धुलाई हो रहा है यहाँ पर, चलते हम लोग अंदर। ये है फ्रेंच फ्राई का मशीन, ये है फ्रेंच फ्राई का मशीन, ये है एप्पल। आज हम फ्रेंच फ्राई के स्टाइल में काटेंगे एप्पल। इस एप्पल को सीधा फिर धोया, फिर इसको इस पर एक कांटे पे ऐसे चौका, अब चौका के बाद इसको धक्का, धक्का के बाद मुट्ठी मारते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे करते हैं। एक कट गया कच्चे से, फिर बाद निकला भी चला गया। अरे हाँ यार निकल गया। एप्पल का सलाद कट किए हैं और फ्रेंच फ्राई वाले मशीन से कट किए हैं। मुझे बोले थे कट करने के लिए, लेकिन मैं अभी बाबू को जा रहे हैं उल्लू बनाने, बोलेंगे उसको फ्रेंच फ्राई बनाने जा रहे हैं और वहाँ पे आलू कट किए हैं, आलू का चोखा बनाने जा रही हूँ। तो अभी उसको प्याज कट करना है और यहाँ पे धनिया है, अदरक मिर्च लहसुन टमाटर आलू और नमक तेल। तो मैं जा रही हूँ चोखा बनाने और यहाँ पर सलाद कट गया है सेव वाला। साढ़े सात और बाबू भी जस्ट उठा है आकृति ब्रश करने के लिए और मैं नहा कर आ गई हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, कल रात के वीडियो का एंड नहीं की थी तो सोचे इसका एंड कर देती हूँ और नया ब्लॉग मुझे स्टार्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों का ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बाय।